कोरबा के लिमरू थाना क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट देवपहरी जलप्रपात में डूबकर मृत युवक का शव हादसे के 3 दिन बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। गोताखोरों के साथ SDRF की टीम, पुलिस और परिजन लगातार युवक का शव ढूंढने में लगे हुए थे। कड़ी मुशक्कत के बाद 3 दिन बाद शव जलप्रपात से निकाल लिया गया। बिलासपुर के तारबहार ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय कल्याण हल्दर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने बीते शुक्रवार को लेमरू थाना क्षेत्र के देवपहरी जलप्रपात गया था। घटना के दिन कल्याण कुछ साथियों के साथ जलप्रपात में नहाने उतर गया था। इस दौरान वह पानी में गहराई वाले स्थान पर कूद गया, जहां नीचे जाकर वह गहराई में चट्टान के बीच फंस गया था और डूबने से उसकी मौत हो गई थी। बीते 3 दिनों से उसकी तलाश चल रही थी, इसके लिए SDRF की टीम को काम पर लगाया था। इधर युवक के परिजन भी बिलासपुर से कोरबा पहुंचे थे और जलप्रपात में कल्याण हल्दर का शव खोज रहे थे। कोरबा CSP राहुल देव शर्मा ने बताया कि देवपहरी जलप्रपात में डूबकर लापता हुए कल्याण हल्दर का शव सोमवार की दोपहर जलप्रपात से बरामद कर लिया गया है। वैधानिक औपचारिकता के बाद शव मृतक के परिजनों को सौंपा जाएगा। शुक्रवार को देवपहरी जलप्रपात में जहां डूबने से कल्याण हल्दर की मौत हो गई थी, उसके शव की खोज भी चल रही थी। वहीं सयांग क्षेत्र स्थित नकिया जलप्रपात में भी शहर के डिंगापुर निवासी गौतम सिंह रौतिया की डूबने से मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने उसका शव को पहले ही बरामद कर लिया था। मीडिया 4 सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया की रिपोर्ट।